नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेड विद्युतकार और फिटर के छात्रों को जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्सों को बताएंगे कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर आवश्यक होते हैं। आईटीआई के जो विद्यार्थी हैं, जो ट्रेनी हैं, उनकी एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि आईटीआई में पास होने के लिए सर कितने विषय में कितने नंबर आने चाहिए, कितने नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका पेपर लिया जाता है, ऑनलाइन पेपर आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। उस तो इस विषय को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईटीआई में एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफलाइन एग्जाम होता है सिर्फ प्रैक्टिकल का, और बाकी सब ऑनलाइन होता है। प्रैक्टिकल का एक ऑफलाइन एग्जाम होता है जो जिसका टोटल होता है 270 नंबर का टोटल होता है, और ये आपका इस टोटल के अंदर सिर्फ वाइवा आएगा। क्या आएगा? वाइवा, आपका वाइवा आएगा। इसमें आपको लिखाया भी जाता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ये 270 नंबर के अंदर में होता है, प्रैक्टिकल करा के भी देखा जाता है, इसमें एक लिखित परीक्षा भी होती है, और साथ ही साथ में वाइवा भी लिया जाता है। ये सब 270 नंबर का होता है। और यहाँ जो टोटल आपका जो आएगा वो आपको कम से कम यहाँ पे 162 नंबर लाना आवश्यक होता है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे आपको 162 नंबर में आप पास होंगे, मतलब पेपर मार्क्स का कम से कम आपको 60% आना चाहिए, तब जाके आप पास हो जाओगे। 270 का 60% 162 होता है, तो आप पास हो जाओगे। सेशनल मार्क पॉलिसी तरफ से दिए जाते हैं जो 30 नंबर का होता है, और इसमें कम से कम 18 नंबर आपको आवश्यक होते हैं। 18 नंबर में आप यहाँ पास हो जाओगे, और ये टोटल आपका जो होगा वो कम से कम 180 नंबर का होना चाहिए। अगर 180 नंबर से एक नंबर भी कम होगा तो आप फेल हो जाओगे, या 162 से एक नंबर कम होगा तो आपकी बैक आ जाएगी। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में दो सब्जेक्ट कम्बाइंड होते हैं, थ्योरी का सब्जेक्ट कम्बाइंड होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। थ्योरी के सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी से हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 150 नंबर का। उसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो टोटल होगा वो होगा अपना 50 नंबर का। इन दोनों का जो टोटल होगा वो हो जाएगा 200 नंबर का, मतलब पेपर फर्स्ट का जो टोटल होगा वो 200 नंबर का होगा। इसके साथ में आपके 20 नंबर का एक सेशनल मार्क भी कम्बाइंड होता है, जो आपको थ्योरी का दिया जाता है सेशनल मार्क 20 नंबर का। और यह जो 20 नंबर का जो आपको सेशनल मार्क दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है इसमें 200 में, तो हो जाता है तुम्हारा 220। 220 में से आपको कम से कम 88 नंबर लाना आवश्यक होता है। अब आपको बता दें आप पेपर फर्स्ट में पासिंग के लिए कितना नंबर चाहिए। पेपर फर्स्ट में थ्योरी में अगर आपको पास होना है तो यहाँ 150 में से आपका 37.5 नंबर आता है तो आप पास हो जाओगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 12.5 नंबर आता है तो आप पास हो जाओगे। लेकिन इन दोनों का आपको जो जोड़ा जाए, या इन दोनों को ऐड करने के बाद प्लस सेशनल मार्क को ऐड करने के बाद यहाँ 88 नंबर लाना भी आवश्यक होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका हो रहा है यहाँ पर हो जाएगा 50 नंबर, और सेशनल मार्क सपोज दैट आपको 10 नंबर प्राप्त हुए तो हो जाएगा 60 नंबर। 60 नंबर में आप यहाँ पेपर फर्स्ट में बैक आ जाएगी, फेल हो जाओगे। या अगर पास होना है तो या तो थ्योरी में नंबर कुछ बढ़ा लो, या आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ नंबर बढ़ा लो। तो यहाँ कम से कम 88 नंबर चाहिए, और यहाँ 37.5 से कम नहीं होना चाहिए, या 12.5 से कम नहीं होना चाहिए। पेपर सेकेंड में वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट होता है, और दूसरा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन दोनों ही सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल इसका पूर्णांक 75-75 का होता है। यहाँ जो टोटल करेंगे वो हो जाएगा 150 नंबर का, और 20 नंबर यहाँ सेशन मार्क के दिए जाते हैं, 10 वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के, और 10 इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो यहाँ 20 नंबर यहाँ पर सेशनल मार्क हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल जो आएगा वो हो जाएगा 170 नंबर। 170 में से आपको 72 नंबर आवश्यक होते हैं वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। इस सब्जेक्ट में कम से कम 18.75 नंबर आपको आवश्यक होते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कम से कम 18.75 नंबर आवश्यक होते हैं। इन दोनों में यदि आपके यही नंबर आते हैं तो भी आप फेल हो जाओगे। कम से कम आपको इन दोनों का जो प्लस होगा, जो ऐड होगा,
आपको यहाँ पे आपको 72 चाहिए चाहिए और यहाँ पे कम से कम 18.75 से कम नंबर नहीं चाहिए। अगर कम आएंगे तो आपकी बैक लग जाएगी। और पास होने के लिए इन नंबरों से ज्यादा नंबर चाहिए और इन दोनों का ऐड कितना चाहिए 88 और नीचे वालों का ऐड कितना चाहिए 72 नंबर का ऐड चाहिए अपने को। अब आपको बता दें माइनस मार्किंग किस हिसाब से होती है। माइनस मार्किंग होती है आपके एक क्वेश्चन पे 1/4, मतलब आपका यदि एक क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो उसमें माइनस मार्किंग जो नंबर कटेंगे वो 0.75 नंबर कटेंगे, मतलब 3/4 तो आता है 0.75 नंबर आपके कट जाएंगे। यदि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उस पर कटेंगे 0.5, मतलब 2/4 तो यहाँ पे कितने कटेंगे 0.5 नंबर आपके कटेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं दीपक शर्मा।